खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मुआविन खसूसी वजीर अला पंजाब बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान रमज़ान बाजार सियालकोट के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मजीद इस पर रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदा अली इमरान। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि शहबाज शरीफ मसाइल का तदरक मीडिया को गुमराह करके नहीं हो सकता। हुकूमत रमजान बाजारों में 2018 की कीमतों को यकीनी बना रही है। हुकूमत अपोजिशन की छतरी तले पलने वाले मिलावट माफिया और मसनूई बहरान पैदा करने वाले गैंग की गर्दने कानून की गिरफ्त में लाएंगे। पीटीआई हुकूमत की काविशों से पहली मरतबा रमजान मुबारक में महंगाई में कमी वाकया हुई है। सहूलत बाजारों में 2018 की कीमतों पर जरूरी एशिया खुर्दनोश फराम की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत ने माह सियाम में अवाम को रिलीफ की फरामी के लिए 7 अरब रुपए का रमजान पैकेज दिया है। मियारी एशिया की सस्ते दामों फरामी के लिए सुबह भर में 313 रमजान बाजार कायम किए गए हैं। मुर्गी की कीमतों को व्हाट्सएप पर मुकर्रर करने वाले अपने मुनाफों को आज खुद कम कर दें। शरीफ खानदान अपनी चीनी की मिल्स की कीमतें आवाम के लिए कम दें। रमजान बाजार में 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए में मिल रहा है। हुकूमत सस्ते आटे की फरामी पर 3 अरब 70 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। कैमरामैन टीम के साथ अली इमरान, सिटी 5 न्यूज़, सियालकोट।